Assalamualaikum दोस्तों, my name is Gulam Hildin। दोस्तों आज की इस वीडियो में है हमारे पास इंटरेस्टिंग टेक न्यूज, तो उनको सुनने के लिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जो हमारे पास पहली टेक न्यूज है वो है ड्रोन फ्लाइंग पर। दोस्तों पंजाब में 2 माह के लिए ड्रोन उड़ाने पर पाबंदी है और इसकी खिलाफ वर्जी करने पर 6 माह की कैद और जुर्माना या फिर दोनों ही हो सकते हैं। और पुलिस का कहना है कि पाबंदी अवामी मफाद आमा के लिए आयद की गई है। ड्रोन रिमोट कंट्रोल और एयरक्राफ्ट फ्लाइंग कैमरा तमाम किस्म के बड़े गुब्बारों पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है। और अब भाई पंजाब वालों एहतियात से रहिएगा, 2 माह की पाबंदी है। अगर आप इसमें कोई ड्रोन उड़ाते हैं तो आपके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई हो सकती है। दोस्तों जो दूसरी टेक न्यूज है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ऐसे पहले भी देखने में आए हैं कि हैकर्स वार करते रहते हैं, लेकिन ये वार उनमें से एक है और बहुत इंटरेस्टिंग है, जहां पे पाकिस्तानी जासूस ने दर्जनों भारतीय फौजी अफसरान के कंप्यूटर्स को हैक कर दिया है। अब इस पाकिस्तानी गुमनाम हीरो ने एक्चुअली किया क्या कि एक सज्जल कपूर के नाम से फेसबुक आईडी बनाई और वहां पे भारतीय अफसरान से दोस्तियां लगाई और उसके बाद उनको वीडियोस और तस्वीर सेंड की। भारतीय मीडिया ने एक रिपोर्ट शाया की जिसमें बताया गया है कि पाकिस्तानी जासूस ने तस्वीर और वीडियो सेंड की। उन तस्वीर और वीडियोज में वायरस और मालवेयर था, जिसकी वजह से उनके जो कंप्यूटर्स हैं उनमें वो जब गया है उससे खुफिया मालूमात पाकिस्तान की तरफ चली गई है। और बताया गया है कि इन कंप्यूटर्स में इंडिया के आला तरीन मजाइल ब्रह्मोस की इंतहाई खुफिया मालूमात भी थी। और जब भारतीय फौज को यह मालूम हुआ तब तक वो जो पाकिस्तानी गुमनाम हीरो था वो अपना काम कर चुका था और उनके पास अपना सर पीटने के अलावा कुछ नहीं रह गया था। दोस्तों जो हमारे पास तीसरी टेक न्यूज है वो हवावे की जानिब से है। दोस्तों हवावे जो है एंड्रॉयड के मतबादल रूसी ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम कर रहा है। वो एक्चुअली क्यों काम कर रहा है वो आपको पता ही होगा कि गूगल ने हवावे के लाइसेंस जो है कैंसिल कर दिए हैं, उससे अपना तल्लुक बिल्कुल खत्म कर लिया है। दोस्तों हवावे ने अपनी 1 मिलियन डिवाइसेस को अपना जो ऑपरेटिंग सिस्टम होंगमिंग लॉन्च किया था के साथ फरोख्त कर दिया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक हवावे अरोरा को इस्तेमाल करना चाहता है। दोस्तों अरोरा एक्चुअली एक ऑपरेटिंग सिस्टम ही है जो कि ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म सेल्फिश पर बनाया गया है। दोस्तों सेल्फिश भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको मीगो गैस्चर बेस्ड प्लेटफॉर्म की बुनियाद पर बनाया गया है। इसको नोकिया 9 में भी इस्तेमाल किया गया था, जिसके बाद नोकिया माइक्रोसॉफ्ट विंडोज पर मुंतकिल हो गया था, जो कि नोकिया का एक गलत फैसला था। तो दोस्तों ये थी हमारी टेक न्यूज। तो उम्मीद करता हूँ कि ये टेक न्यूज़ आपको पसंद आई होंगी। पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।